तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब द डार्लिंग प्रभास, द डायनासोर प्रभास अब ठंडे हो चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ठंडा होते जा रहा है। जय दोस्तों, अब जो वर्किंग डेज में जो हाल हो रहा है, ना कि सिर्फ सालार का, भाई डंकी का भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो एवरेज ग्रोथ अभी तक चल रही थी भाई साहब, वो पुअर ग्रोथ आ चुकी है। तो अभी सभी चीज़ों पर नज़र मारेंगे, कल कैसा क्या कलेक्शन रहा है, वो ऑक्यूपेंसी कितनी रही है, बुकिंग कितनी आज हुई है, कितना कलेक्शन अभी तक कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड से क्या कलेक्शन इसके खाते में आ रहा है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब लाइक जरूर करें यार, अगर आप देख रहे हैं तो इससे बूस्टर मिलता है चैनल को। शुरुआत करते हैं भाई साहब, कल डे 13 पर मूवी की ग्रोथ क्या थी भाई साहब? बहुत पुअर ग्रोथ है भाई साहब। सालार मतलब जिस हिसाब की ये मूवी है, जिस हिसाब का इसका कंटेंट है, वॉयलेंस भाई जिस हिसाब के लिए जानी जाती है, एक्शन वॉयलेंस बस इसी यही है इस मूवी में और इसी की दुनिया दीवानी है। बावजूद इसके भाई साहब इस मूवी को अब उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1000 करोड़ का ये मूवी पोटेंशियल लगती है, लेकिन 1000 करोड़ मुझे नहीं लग रहा कि इसके खाते में आते नजर आ रहा है। भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल थी ऑल डे की, मतलब फुल डे की, मॉर्निंग टू नाइट तक 15% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। और कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट क्या है, 5 करोड़ 25 लाख का। एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 7.5 करोड़ एंड ओवरसीज से 3.5 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक अपने खाते में रखते नजर आ रही है। देन पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 11 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा क्यों ही कहें, क्योंकि एवरेज ग्रोथ अब आ चुकी है। तो आप डार्लिंग प्रभास के फैन हैं तो ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा कह सकते हैं इसको, वैसे ठीक है, क्योंकि भाई साहब इस टाइम पर क्लैश चल रहा है। और बावजूद ये कि भाई इस साल मतलब 2023 जो गुजर गया है, बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं और सभी ने दबा के कलेक्शन किया है, ना कि 200-300 करोड़, भाई साहब 500 करोड़ से ऊपर गई हैं 7-8 फिल्में। तो भाई जनता की जेब तो ढीली होगी, सीधी सी लॉजिकल बात है, दैट्स वाई कि इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो भाई पहले 13 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से 373 करोड़ 97 लाख का कलेक्शन हो चुका था, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 442 करोड़ 50 लाख का हो चुका था और पूरी दुनिया से एंड ऑफ द डे तक 676 करोड़ का कलेक्शन ये अपने खाते में रख चुकी है। जो देखा जाए तो ठीक है भाई साहब, एवरेजली ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि भाई फुल ब्लॉकबस्टर होने के लिए इसे अपने बजट का डबल आंकड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हमने देखा है कि भाई साहब अगर आपको ब्लॉकबस्टर हिट की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना है तो आपको मिनिमम 800 करोड़ तो अपने खाते में लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब जवान पठान ने 1000 करोड़ ठोक के मारे हैं, वो भी बैक टू बैक शाहरुख खान ने। दैट्स वाई कि भाई साहब वो जो डेफिनेशन है ब्लॉकबस्टर की, भाई वो थोड़ा रेज हो चुकी है। आज बात करें, आज डे 14 पे कैसा हाल चाल चल रहा है भाई साहब? आज भी पुअर ग्रोथ है, आज तो कल से ज़्यादा पुअर ग्रोथ है। बुकिंग लगभग 1.80 करोड़ की हुई है नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक, अर्ली एस्टिमेट है 5 करोड़ का। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 6.5 करोड़, पूरी दुनिया से 9.5 करोड़ के आसपास ही मूवी अपने खाते में लेते नजर आ रही है। तो भाई साहब इसे भी क्या ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा कहेंगे, आपकी मर्जी, कह सकते हो किसी का बाप का कर्जा नहीं खा रखा है। तो ऐसा मूवी अब एवरेजली ग्रोथ के साथ अब बिलो एवरेज ग्रोथ में आ चुकी है, जो पुअर तक पहुंचते रह रही है। तो भाई पहले 14 दिन में या आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी पहले 14 दिन में पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन कर लेगी भाई साहब? 686 करोड़ के आंकड़े को ये मूवी टच करते नजर आएगी। तो भाई साहब ये लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है? भाई मैं मान के चल रहा हूँ 750 करोड़ के आसपास ये मूवी एग्जिस्ट करने वाली है। आप लोगों के हिसाब से क्या ये मूवी 1000 करोड़ टच कर जाएगी या 800 करोड़ से अब जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी कैसी लगी आपने, अगर सालार मूवी अभी तक देख लिए तो भाई साहब कैसी लगी ये मूवी आपको, ये भी बता के जाना। दूसरा, अगर डंकी भी देख लिए तो भाई कंपैरिजन बेस पे आप बोल सकते हो कि भाई कौन सी मूवी बेस्ट है आपके हिसाब से और 2023 की कौन सी मूवी बेस्ट है आपके हिसाब से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।